चौहान के साथ। बुलंदशहर कांड का पूरा सच, ग्राउंड से सीधी रिपोर्ट, आरोपी पक्ष कैमरे पर पहली बार। नमस्कार, भारत 9 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। रोजाना मेरी आपसे मुलाकात होती है, सोमवार से लेकर शुक्रवार तक, लेकिन आज मैं आपके सामने आया हूं काविंद्र चौहान की हैसियत से नहीं, बल्कि एक पिता की हैसियत से, एक बेटे की हैसियत से और किसी का भाई होने की हैसियत से। वो इसलिए है क्योंकि हमारे मुल्क में, हमारे देश में रोजाना हर तरह के अपराध होते हैं, हर तरह के कांड होते हैं, हर तरीके की घटनाएं होती हैं। दर्जनों लोग शहीद हो जाते हैं एक झटके में, रोजाना दर्जनों लाखों घटनाएं होती हैं, सड़क दुर्घटनाएं होती हैं, तमाम तरीके के मर्डर के केसेस आते हैं, तमाम तरीके की लूटपाट के केसेस आते हैं। कितने ही लोग रोजाना अपनी जिंदगियों से हाथ धो देते हैं, लेकिन कहते हैं ना, वो एक कहावत सी है कि जनाजा जितना हल्का होता है वो दरअसल उतना ही भारी होता है। और हमारा देश इस वक्त इसी चीज से जूझ रहा है, क्योंकि बुलंदशहर में एक 16 साल की बेटी का जब जनाजा निकला था, उस जनाजे के भार तले आज पूरा भारत दबा हुआ है और पूरा भारत ये पूछ रहा है कि आखिर बुलंदशहर की घटना, बुलंदशहर का जो पूरा कांड है, बुलंदशहर का जो पूरा घटनाक्रम है, उसको लेकर कोई बातचीत क्यों नहीं करना चाहता। बाकी तमाम चैनल क्यों आपको चुनावी गलियारों में ले जाना चाहते हैं, बाकी तमाम चैनल्स क्यों आपको चुनावी घटनाओं के बारे में तमाम जानकारियां देना चाहते हैं, लेकिन कोई आपको बुलंदशहर घटना के बारे में क्यों नहीं बताना चाहता। आपको क्यों नहीं बताना चाहता कि जब एक माता पिता घर पर बैठकर उस बेटी के लिए दुआ कर रहे थे, तब कहीं और कोई दरिंदा उस बेटी की अस्मत के साथ खेल रहा था। जब एक पिता अपनी बेटी के बेहतर भविष्य के लिए मजदूरी करता हुआ अपनी बेटी का बेहतर भविष्य सोच रहा था, उसकी कल्पना कर रहा था, तब कोई दरिंदा उस बेटी का खून कर उसे कचड़े के ढेर में कोष फेंकने की फिराक में था। हम लोग इस पर क्यों बात नहीं करना चाहते? और मैं सच कह रहा हूं कि जनाजा जितना हल्का होता है वो हुक्मरानों पर और पूरे देश पर उतना भारी पड़ता है, और आज पूरा देश उसे एक जनाजे के तले दबा हुआ है। और मैं नहीं कह रहा आपसे कि इंसाफ दीजिए, ये दीजिए, वो दीजिए, क्योंकि मुझे पता है कि क्या होगा। होगा ये कि आप ज्यादा से ज्यादा एक जांच की कमेटी गठित करेंगे, ज्यादा से ज्यादा जांच इस थाने से उस थाने में आप उसको भेज देंगे, ट्रांसफर करेंगे। इससे ज्यादा आप क्या कर सकते हैं? आप क्या करेंगे? 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद कौन आपसे पूछने आएगा कि क्या हुआ, क्या हुआ उस बेटी को जिसकी इतनी निर्मम तरीके से हत्या की गई थी, जिसके परिवार ने आरोप लगाया था कि उसके साथ दरिंदगी की गई है, क्या हुआ उसके आरोपियों का? क्या आप बताने के लिए होंगे या फिर मैं पूछने के लिए होऊंगा? तो जब ना मैं होऊंगा ना आप होंगे, तो उस चीज के बारे में आज जिक्र क्यों करें? मैं बस इतना चाहता हूं कि उस बेटी को इंसाफ मिल सके तो मिले, ताकि कल को जब मैं या आप जब ऊपर जाएं और वो कयामत की जब रात हो, तब आप मुझसे सवाल करें और मैं आपसे सवाल करूं, और तब वो बेटी भी वहां हो, और तब मैं ये कह सकूं उसके सामने खड़े होकर कि आज तुम्हारा हाथ है और आरोपियों का गला, उसके पीछे कहीं ना कहीं मैंने भी कुछ किया था। और पत्रकारिता महज ये नहीं है कि खबरें आप तक पहुंचाई जा सके, हर खबर के पीछे भी एक खबर होती है, उस खबर की तह तक जाना और उसको आप तक पहुंचाना, यह ज्यादा अहम हो जाता है। ऐसे में अगर मैं आज इस खबर को आपके सामने ना लाऊं, मैं रोजाना लाता हूं, रोजाना इस खबर के पीछे हूं, रोजाना इस खबर को टटोलने की कोशिश करता हूं। आज मेरे संवाददाता भी इस खबर को लेकर ग्राउंड पर है, उस बेटी के घर गए, जो आरोपी पक्ष था उससे भी बात की, लेकिन हम रुकेंगे नहीं, क्योंकि पत्रकारिता एक पेशा है। और कल को जब हम आखिरी सांसें ले रहे होंगे, तो क्या अपने आप से ये बात कह पाएंगे कि हमने ईमानदारी के साथ इस पेशे को जिया, या फिर बाकियों की तरह हम भी चुनावी माहौल में, चुनावी मौसम में, चुनावी मेले में नेताओं के द्वारा दी जा रहे खिलौनों के साथ खेलना पसंद करेंगे, या फिर हम जो गंभीर मुद्दे हैं उस पर भी बहस करेंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे, उन पर भी बात करेंगे। और मैं रोज इसी मुद्दे के साथ आपके सामने आता रहूंगा। फिलहाल आज हमारे संवाददाता ग्राउंड पर पहुंचे, उन्होंने परिवार से भी बात की है, साथ ही साथ उन्होंने
पीड़ित जो पक्ष है उसकी उनकी जो वहां पर परिजन थे उनसे बात तो की ही है, साथ ही साथ जो आरोपी पक्ष है उससे भी बात की है, उनका क्या कुछ कहना है आप इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ छतारी के धराव गाँव में, जहाँ पर 21 जनवरी 2022 को लड़की का पहले रेप किया गया और फिर उसको मार दिया गया, साथ ही उसको जला भी दिया गया। और इसकी पूरी जानकारी के लिए इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं लड़की की मामी। मामी यहाँ पर रहती हैं धराव गांव में, आइए उन्हीं से जानते हैं कि इस पूरे मामले में आखिर क्या रहा, इसका सच और कितना इसमें झूठ है, आखिर इनसे पूछते हैं क्या रहा है, क्या मामला है इसका, क्या मामला रहा था, क्या घटना था। दोहरू से गालमपुर से लड़की अपने खेत में चारा लेने गई थी, वहाँ से 4-5 लोग थे वो ढग लेके आई 3 बजे। जहाँ महेंद्र शर्मा के बाग गया, ये टूवल है, टूवल में ला के उसका बलात्कार किया, उसके बाद चाकू वाकू मार के और गोली मार दी, मर्डर कर दिया उसका। उसके बाद जो 2 पुलिस वाले लोग आए थे सारे काम हो गए, जब यहाँ सूचना मिली थी हम लोग यहाँ से गए, जब तक पन्नी में डाल के बंद कर दिया उस लड़की को, डिग्गी में डाल दिया होगा कार में, हमको मुँह भी नहीं देखने दिया, बहुत बहुत रोए चिल्लाए पीछे पीछे खिंच रहे गाड़ी के पीछे, लेकिन गाड़ी में धर के पहले लड़के को ले गए, वहाँ के बाद लड़की को ले गए, गाड़ी ले के तेज गई। तो पुलिस वाले लोग बोल रहे थे कि जाम फाम कुछ नहीं करो, आपकी सुनवाई होगी, तो डरा फंसा के बोलते जल्दी करो जल्दी जलाओ इसको, एक गाड़ी आगे थी एक पीछे थी, और उन्होंने जल्दी से जल्दी डिवाई तक जो वो पेट्रोल टंकी तक करके और तुरंत वापस चलाए, रात के 12 बजे लड़की को जलवा दिया। तो प्रशासन की तरफ से आपके ऊपर कोई जोर दबाव बनाया गया? हाँ, डरा फंसा के उन्होंने बोला था कि आप जेल चले जाओगे, जल्दी करो लड़की को। प्रशासन के द्वारा जेल जाने की धमकी दी गई? धमकी दी थी, डरा दी, बहुत डर गए लोग, ये सब लड़की को जला दिया। लड़की को जला दिया गया। हाँ जी, उसके बाद फिर कोई सुनवाई नहीं। जो मध्य प्रदेश के लोग आए उन्होंने थोड़ा बहुत, हम वहाँ गए थाने पर, जब कुछ घुड़सोर मचाया है, जब बोल रहे थे हाँ सुनवाई करेंगे, कुछ 2-4 दिन बाद के जब 2-3 मुंजिम और वहाँ हाजिर हुए, पता नहीं जेल गए ना गए, हमने आंखों से देखा नहीं। तो इसमें मुख्य आरोपी कौन है? सौरभ शर्मा। पिताजी का नाम क्या है उनके? राजेश शर्मा। राजेश शर्मा जी, और महेंद्र शर्मा का टूवल था, और उन लोगों ने चाबी दी है, लोग भी खोला, हाँ अगल बगल में रहते हैं वो पापा जी उनके, शर्मा महेंद्र और शिवम नाम का लड़का है उनका, और एक कंची शर्मा है, उसका लड़का का नाम निशांत है। कितने परिवार में कितने लोग हैं ये? वो 5 लोग हैं, 2 भाई एक बहन और मम्मी पापा। मम्मी पापा, दोनों भाई कितने बड़े हैं? छोटे हैं, लड़का छोटे छोटे हैं। तो पिताजी क्या करते हैं इनके? बेलदारी करते हैं पिताजी। तो परिवार वालों की क्या मांग है? अरे बहुत लोग, बहुत गरीब लोग हैं, उनकी झोपड़ी मकान पर झोपड़ी भी नहीं है, जैसे कूड़ा वूड़ा डाल देते वो पड़ा हुआ है, लेकिन कुछ नहीं तो हो तो 1 करोड़ होना चाहिए उसके, उनके लड़का का कोई सरकारी नौकरी मिलनी चाहिए, और जो लड़का जो लड़की का मर्डर किया है दोषी है, उनके लिए फांसी होनी चाहिए, ये न्याय मिलना चाहिए। तो जैसा कि आपने देखा, मामी ने मांग रखी है कि परिजनों की तरफ से एक मांग रखी गई है, बताया गया है कि दोषियों को फांसी की सजा होनी चाहिए, साथ ही 1 करोड़ रुपये का मुआवजा, जो कि उनके छोटे भाई हैं, पापा बेलदारी करते हैं, तो उनके लिए सरकार की तरफ से कोई आर्थिक सुविधा भी दे दी जानी चाहिए। न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया की टीम पूरी हकीकत दिखाने के लिए मौजूद घटना स्थल पर आ चुकी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। कैमरामैन से मैं अपील करूँगा कि वो इस ट्वेल को दिखाएं, यही वो ट्वेल है जिसके ऊपर यहाँ पर घटना हुई है, यहाँ पर ही सौरभ शर्मा जो कि मुख्य आरोपी है इस घटना का, यहीं पर उसको लड़की को लेकर के आया था, आने के बाद यहीं पर उसको गोली मारी थी, और ये पूरी ट्वेल है, आप देख सकते हैं यहीं पर ही ये पूरा कांड हुआ है, और छतारी के धराव गाँव में, जहाँ हमने परिजन की बात सुनी, उन्होंने आरोप लगाया, उन्होंने सौरभ शर्मा को मुख्य आरोपी बताया, साथ ही कुछ लोगों को और भी बताया, लेकिन सवाल ये उठता है कि मुख्य आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया जैसा कि हमें बताया जा रहा है। तो इस वक्त मैं दूसरे पक्ष के पास आया हूँ जानने के लिए,
और ये मौजूदा ग्राम प्रधान भी हैं। नीरज शर्मा मैम आपका नाम है। हाँ। तो आपके लड़के का नाम क्या है जिसको सम्मिलित किया गया है? शिवम शर्मा। शिवम शर्मा है। तो क्या घटनाक्रम रहा, कुछ बताएंगे कैसे आपके ऊपर आरोप लगाया जा रहा है? ऐसा आएगा, मेरे बेटे से चाबी, मतलब चाबी यहाँ पर रखी रहती थी, ट्यूबवेल चलते हैं पानी वाले ले जाते हैं, चाबी को ले जाते हैं और दे जाते थे। उसने सौरभ आया था, चाबी ले गया कि मुझे खाट निकालनी है, गाय वाय रखनी है, खेतों को रखाते हैं ना, तो उसने बेटे ने चाबी दे दी। अब ये नहीं उसने बताया क्यों ले जा रहा, उसने अपनी अच्छाई से चाबी दी कि खेत रखाने के लिए, खाट निकालने के लिए चाबी ले जा रहा है। उसके बारे में और उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। बेटा तो मेरा इस बात से ही कह रहा है कि मुझसे तो धोखे से चाबी ली है बस। तो जो ट्यूबवेल है वो आप ही का? हाँ, ट्यूबवेल मेरा है। तो इसकी जो सूचना प्राप्त हुई आपको कब हुई? मुझे तो रात शाम को 6 बजे हुई थी, जब सारे काम हो गए, पुलिस वाले भी आ गए, मीडिया वाले भी आ गए और सौरभ शर्मा को ले भी गए। उसके बाद में मुझे पता चला, मोहल्ले की औरत ने बताया कि आपके ट्यूबवेल में मर्डर हो गया है। तो जब मैंने अपने पति को फ़ोन किया, मैंने ऐसे से बात है, मेरे पति मीडिया उसमें थे, मीटिंग में थे पास। पति का नाम क्या है? महेंद्र कुमार शर्मा। तो उनको बदनाम किया जा रहा है आपका? हाँ, कहने मेरे का मतलब मेरे पति को बदनाम करा जा रहा है, मेरे बेटे को बदनाम करा जा रहा है। बदनाम करने का कारण क्या देखते हैं? देखो, मेरी खुश है इन लोगों की प्रधानी, क्योंकि मैं इस वक्त में प्रधान हूँ। आप मौजूदा प्रधान हैं? मौजूदा प्रधान हूँ। उसकी चुनौती निकाली जा रही है मुझसे। अच्छा, बस। तो जो सौरभ शर्मा है उसने अपने आरोप कबूल? हाँ, सौरभ शर्मा ने अपने उसको पकड़ा तो उसने कह दिया मैं जुल्मी हूँ, मैं ही लेके आया हूँ, मैंने ही मर्डर किया है और मैं ही अपनी तरफ से चाबी लेके आया हूँ। ये तो ऊपर वाले ही मेरे बेटे को और मेरे आदमी को फंसा रहे हैं। सौरभ ने अपना कबूल किया है कि मैं जुल्मी हूँ। आपके बेटे शिवम को और आपके पति को, शिवम को, महेंद्र कुमार शर्मा को और शिवम शर्मा को। तो ये जैसा कि बता रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे आप? ठीक कह रही हैं, ये ठीक कह रही हैं। हाँ, और शर्मा को फसाया जा रहा है, और जा रहा है प्रधान जी को और इनको। बहुत अच्छा प्रवास है महेंद्र कुमार शर्मा। आप इसी गांव से हो क्या? हाँ, इसी गांव से हैं। अरे भैया, हमारा संजीव को झूठा फसाया। हाँ हाँ, शिवम को, शिवम शर्मा, शिवम शर्मा को। बाकी जो लोग मेरे साथ आज ही जुड़ रहे हैं इस पूरी रिपोर्ट को देखने के बाद, अगर आपको मैं पुरानी भूमिका में ले जाऊं कि आखिर घटनाक्रम क्या है, पूरी बात क्या है, तो इसको भी देखना काफी अहम हो जाता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए कि जब आपके देश में आपको ये बताया जा रहा हो कि आज फलाने नेता की रैली किस जगह पर है, आज क्या हुआ है, आज कौन से नेता का कितना पैसा घटा है या कितना पैसा ज्यादा हुआ है, कौन से नेता ने नामांकन किया, विदेश में बैठी कौन सी कंपनी का जो GDP ग्राफ है वो गिर गया है, कौन सी कंपनी के शेयर गिर गए हैं, कौन सी कंपनी की इक्विटी प्राइस जो है वो गिर गया है, अगर आपको सभी लोग ये बातें बता रहे हैं और साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि कौन सी फिल्मी सितारे का ब्रेकअप हुआ है या कौन से फिल्मी सितारे का जो बेटा है वो आज कितने साल का होकर उसने पहली बार मम्मी पापा बोला है, लेकिन वो आपको ये नहीं बताना चाह रहे कि एक बेटी जिसका पिता उसके घर में उसके बेहतर भविष्य की कल्पना कर रहा था, उसी वक्त कोई दरिंदा उसकी आबरू के साथ खेल रहा था, यह आपको कोई नहीं बताना चाहता। बुलंदशहर की पूरी घटना क्या है, एक छोटी सी रिपोर्ट है, इसके जरिए आप समझिए। महिला सुरक्षा के नाम पर चुनावी मौसम में ताप पैदा करते नारों का नरकंकाल मिला है। 2 साल पहले हाथरस कांड को बताती खबरों से पटे अखबार अभी तक कबाड़ में भी नहीं बिके थे कि एक और बड़ी घटना ने जन्म लिया है। लेकिन जन्म लेने के बाद इस घटना को मारने की साजिशें जोरों पर हैं। हाथरस की वो काली रात आज एक बार फिर उजाले में नजर आने लगी है। हाथरस लगभग 100 किलोमीटर दूर बुलंदशहर में एक बार फिर उस शर्मिंदगी ने जन्म लिया है, जहां एक बेटी के साथ दिन के उजाले में दरिंदगी करने का आरोप लगा है, जहां दिन के उजाले में उसकी हत्या कर दी जाती है, लेकिन अंतिम संस्कार के लिए दिन का उजाला उसे नसीब नहीं होता। अंतिम संस्कार में परिवार से ज्यादा पुलिस की भूमिका नजर आती है, अपराधियों को पकड़ने में पुलिस बचाव करती ज्यादा नजर आ रही है। बुलंदशहर में गैंगरेप की घटना सामने आई है। यहां आरोप है कि खेत में काम करने गई किशोरी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। हाथरस की तरह यहां पुलिस ने खुद तो शव नहीं जलाया, बल्कि परिवार को धमका कर आधी रात को ही पीड़ित का अंतिम संस्कार करने की कथित रूप से मजबूर किया है। जब
हम सारे लोग निकले वहाँ से तुमको लेके डिबाई पेट्रोल पंप पर पहुँचे। तो वहाँ हमने सोचा कि रात हो गई, अब सुबह तुमकी की लाश को लगाएंगे, लेकिन वहाँ रोकते ही गाड़ी, वहाँ एक गाड़ी पुलिस की आई तो उन्होंने हमसे बोला कि इसको अभी जलाना है, और दो जवाब बनाते रहे, तरह तरह की बात बनाते रहे। उसके बाद थोड़ी देर बाद 10 मिनट के बाद ही उन्होंने एक गाड़ी और बुला लिया, ये पता नहीं डिवाई थाने की थी या छतारी थाने की थी सर, लेकिन वो हमारे पीछे पीछे बहुत दूरी तक गए हुए हैं, वहाँ से वापस हो गए। फिर हमें मजबूरन रात को 12 बजे उसको जला दिया गया, और हमसे बोलते रहे बार बार वो कि तुम्हें न्याय मिलेगा, तुम्हारी सब कंप्लेंट लिखी गई हैं, सब पूरा न्याय मिलेगा तुम्हें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है अभी तक। हमें टाइम भी दे देते हैं लेकिन बार बार परेशान करते हैं, चूतिया बनाते बनाते हमें आज। बुलंदशहर और अलीगढ़ की सरहद पर बसे गांव डिबाई गालिबपुर में 21 जनवरी के इस मामले को पुलिस प्रशासन ने डरा धमका कर दबा दिया था। साथ ही ये कहानी अखबारों को बताई कि प्रेम प्रसंग के मामले में लड़की की हत्या हुई, लड़के ने खुद को भी खत्म करने की कोशिश की। किशोरी के परिजनों के मुताबिक डिबाई गालिबपुर निवासी उनकी 16 वर्षीय भांजी अपने घर पर थी। वह 21 जनवरी को घर से चारा लेने गई थी। दोपहर में धोरव गांव निवासी सौरभ शर्मा और उसके 3 साथी उसको जबरन उठाकर उसी गांव में ट्यूबवेल पर ले गए। वहां उसके साथ सभी ने गैंगरेप किया। उसके बाद सौरभ ने किशोरी के सिर पर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस के फोन से परिजनों को घटना का पता चला। किशोरी के परिजनों का आरोप है कि वहां ट्यूबवेल के कमरे की बाहर से कुंडी लगी थी, अंदर भांजी का खून फर्श पर था, आरोपी सौरभ भी वहीं था। वहां की स्थिति को देखकर कोई भी समझ सकता था कि बच्ची के साथ गलत काम किया गया है। पुलिस वाले भांजी के शव को अलग और आरोपी को अलग गाड़ी में बैठा कर ले गए। शाम को ही पुलिस शव को बुलंदशहर जिला अस्पताल ले गई। हमें कोई जानकारी नहीं दी गई, ऐसा उनके परिवार का कहना है। अगले दिन 22 जनवरी को अधिकारियों का परिवार के पास फोन आया कि बुलंदशहर जिला अस्पताल में बेटी का पोस्टमार्टम हो रहा है। परिजन पोस्टमार्टम से संतुष्ट नहीं थे और उन्होंने अपनी मौजूदगी में अगले दिन पोस्टमार्टम करवाने की मांग की, लेकिन पुलिस ने वहां लाठी का भय दिखाकर शव को रवाना कर दिया। हमने पुलिस अधिकारियों से कहा कि बिटिया का शव गांव में ले आओ, लेकिन अफसरों ने मना कर दिया, परिवार का ये कहना है। इसके बाद परिवार बुलंदशहर अस्पताल पहुंचा। परिवार ने लड़की के साथ बुरा काम होने का अंदेशा जताया, लेकिन पुलिस इससे इनकार करती रही। परिवार ने FIR में गैंगरेप की धारा जोड़ने व सभी आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की, लेकिन पुलिस ने धमकाकर परिवार को चुप करा दिया। परिवार का कहना है कि हमें रात करीब 8 बजे शव सौंप दिया। शव को लेकर हम डिवाई पहुंचे ही थे कि पीछे से पुलिस की गाड़ी आ गई। हम शव लेकर थाने पर गए और विरोध जताया। परिवार 22 जनवरी की रात को अंतिम संस्कार नहीं कराना चाहता था, इसे अशुभ माना जाता है, इसलिए परिजन सामाजिक रीति रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार के लिए गड़गड़ाते रहे, लेकिन पुलिस नहीं मानी। पुलिस ने कोविड एक्ट के प्रावधान व कार्रवाई का दबाव बनाकर तत्काल अंतिम संस्कार करने के लिए कहा। परिजनों व ग्रामीणों ने मामले में पुलिस पर आरोपियों के दबाव में एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगाया है। परिजनों की मांग है कि पुलिस ने अब तक मामले में गैंगरेप की धारा नहीं जोड़ी है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामला प्रेम प्रसंग का था। आरोपी युवक ने गोली मारने के बाद ब्लेड से खुद के गले व हाथ की नसें काटने का प्रयास किया। उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। उसके सहयोगी साथी को भी गिरफ्तार किया गया है। स्लाइड जांच के लिए आगरा भेजी गई है। वहां से पुष्टि हुई तो रेप की धारा जोड़ दी जाएगी, ऐसा पुलिस का कहना है। सोशल मीडिया पर कतिपय ट्विटर चलाने वाले लोगों के द्वारा थाना छतारी की एक घटना को बहुत ही गलत तरीके से और बिना तथ्य के अलग अलग तरीके से ट्वीट किया जा रहा है। घटना का क्रम यह है कि 21 जनवरी की घटना है। थाना छतारी के धारऊ गांव के एक सौरभ शर्मा का प्रेम प्रसंग थाना डिबाई के गालीपुर गांव की एक लड़की के साथ था। उस लड़की का ननिहाल धारऊ गांव में है, जहां से इन दोनों के बीच संपर्क हुआ था। लड़की ननिहाल में न रह करके अपने मूल गांव गालीपुर में रहती है। दोनों गांव के बीच में लगभग 15-16 किलोमीटर के बीच की दूरी है। 21 जनवरी को लड़का और उसके एक साथी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर अपने गांव से धारऊ गांव आई। धारऊ गांव में एक ट्यूबवेल पर ये लोग गए, जहां पर लड़के के द्वारा लड़की की गोली मार के हत्या कर दी गई और अपनी गर्दन और अपने हाथ की नसों को
ब्लेड से काटा गया। जानकारी होने पर उसे इलाज के लिए अलीगढ़ भेजा गया, जहां इलाज के बाद वो बच गया और उसे गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। परिवारजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर बिना किसी तरह का छेड़छाड़ किए अभियोग दर्ज किया गया था। पंचायतनामा पोस्टमार्टम के बाद परिवारजनों द्वारा अपनी मर्जी से स्वतः गंगा घाट कर्णवास पर लड़की का अंतिम संस्कार किया गया। मीडिया में कथित ट्विटर चलाने वाले लोगों द्वारा ये दिखाया जा रहा है कि पुलिस ने रात में जबरन अंतिम संस्कार कराया। इस संबंध में कहना है कि कोई भी पुलिसकर्मी अंतिम संस्कार के समय मौके पर मौजूद नहीं था, किसी के पास कोई वीडियो भी नहीं है, नहीं तो लोग वीडियो भी ट्वीट करते, लेकिन केवल सनसनी पैदा करने के इरादे से कतिपय लोग ट्विटर हैंडल का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। बाद में लड़की के परिवारजनों द्वारा एक तहरीर दी गई थी जिसमें कुछ अन्य लोगों को भी अभियुक्त बनाए जाने की बात थी। उनके अनुरोध पर इस मुकदमे की विवेचना थाना छतारी से हटाकर इंस्पेक्टर जहांगीराबाद को सुपुर्द की गई। दूसरा लड़का निशांत, जो लगभग 19 साल का है, जो लड़की के साथ उसके गांव गालिबपुर डिबाई से मोटरसाइकिल से आया था, मोटरसाइकिल से लाते समय दो लड़के साथ में थे, एक मुख्य अभियुक्त सौरभ शर्मा जो धारहू गांव का है, दूसरा उसका साथी निशांत जो लगभग 19 साल का है। उस दूसरे लड़के को भी गिरफ्तार कर लिया गया है और जेल भेजा जा रहा है। यहाँ बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहना है कि लड़की के अंतिम संस्कार में पुलिस की न तो कोई भूमिका थी, न पुलिस वहाँ मौजूद थी। गलत तथ्यों के आधार पर जो लोग सनसनी पैदा करने का कार्य कर रहे हैं वो अत्यंत आपत्तिजनक है और ये आपराधिक कृत्य है। तो अनुरोध इसमें यही है लोगों से कि गलत तथ्यों के आधार पर सनसनी पैदा करने का प्रयास न करें और घर वालों की तहरीर के आधार पर विवेचना को थाना जहांगीराबाद के इंस्पेक्टर को सुपुर्द किया गया है। दी गई FIR में केवल एक अभियुक्त नामित था, बाद में विवेचना से दूसरे अभियुक्त का नाम भी प्रकाश में आया जो मोटरसाइकिल के साथ आया था, उसे भी गिरफ्तार कर लिया गया है। यदि घटना में अन्य किसी की संलिप्तता होगी तो उसके संबंध में भी गहराई से जांच कराई जा रही। मृतका के पिता ने बताया है कि 22 जनवरी को अंतिम संस्कार करने के बाद उम्मीद थी कि पुलिस प्रशासन हमारे साथ खड़ा होगा, लेकिन अचरज यह है कि पिछले 11 दिनों से हमारे घर में कोई झांकने तक नहीं आया है, ऐसा परिवार का कहना है। पूरे मामले में पुलिस ने 4 नामजद किए हैं, 2 गिरफ्तारियां हुई हैं। पिता का आरोप है कि आरोपी दबंग हैं। पुलिस इन पर सख्त धाराओं में कार्रवाई करने के बजाय बचती नजर आ रही है। आरोपी का पिता राजेश शर्मा बड़ा जमींदार है, साथ में उसका प्रॉपर्टी का कामकाज भी है। पुलिस प्रेम प्रसंग के मामले में सबसे बड़ा आधार ये बना रही है कि आरोपी ने भी आत्महत्या की कोशिश की। कॉल डिटेल का दावा भी किया जा रहा है, जबकि पड़ताल में सामने आया है कि गले पर चोट के निशान बहुत गहरे नहीं है, ऐसे जैसे बहुत संभल कर सबूत के हिसाब से ही जख्म किए गए हों। आरोपी के हाथ पर कट के निशान है। आरोपी को 21 को अलीगढ़ मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, यहां से 27 को बुलंदशहर जिला जेल भेजा गया। अभी आरोपी को वहां अस्पताल में रखा गया है। प्रभारी डॉक्टर के सिंह के अनुसार हाथ में नस कटी हुई है, गले में हल्का सा घाव है, लेकिन कोई भी जख्म गंभीर नहीं है। अब सवाल उठता है कि रामराज का दावा करने वाले उत्तर प्रदेश में इस तरह की घटनाएं कब तक आकार लेती रहेंगी और कब तक यूं ही बेटियों के शवों को रात के अंधकार में जलाया जाता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वर्ल्ड इंडिया। तो बुलंदशहर कांड को दबाने की लगातार बार बार कोशिश की जा रही है। इस कांड को किसी भी तरह से रोका जा रहा है, प्रशासन से लेकर तमाम लोग इस चीज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। और बेशर्मी तो इतनी है कि जब ट्विटर पे इस खबर के बारे में अपडेट लेने की कोशिश की जाती है, इस खबर के बारे में जो पीड़ित पक्ष है उनके जो आरोप है जब वो दिखाए जाते हैं, तो पुलिस बड़ी ही बेशर्मी के साथ, बड़ी ही बेहूदगी के साथ ये बोलती है कि आप तो गलत जानकारी दे रहे हैं। अगर ये गलत जानकारी है तो मैं चाहूंगा कि प्रशासन के लोग मुझे बताएं, मैं खुद वहां पहुंचूंगा, मौके पर आप भी पहुंचिए और उस मां की आंखों में आंखें डालकर आप यही बात कहिएगा जो बात आप लिखने का मादा रखते हैं, इन्हीं बातों को उस मां की आंखों में आंख डालकर कहिएगा, तब आप सच में प्रशासनिक सेवा में होंगे, तब आप सच में जनता की सेवा में हैं, ऐसा मुझे इल्म रहेगा। लेकिन तब तक मैं ये चाहूंगा कि आप या तो शांत रहें या संज्ञान मिले और कोशिश करें
कि उस बेटी को इंसाफ जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी मिल सके, क्योंकि ये वो भारत है जहाँ के मुखिया, जहाँ के प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं कि बेटी को पढ़ाना है, बेटी को बचाना है। फिलहाल के लिए शुक्रिया।